नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहा हूं, मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। शुरुआत कर रहे हैं दिन दहाड़े की बड़ी खबर के साथ। छतरपुर मामले से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, आरोपी भोला अहिरवार का शव मिला है। सरेंडर करने के लिए एफबी पर उसने पोस्ट डाला था, फेसबुक पर उसने पोस्ट डाला था। पोस्ट में पुलिस पर गंभीर आरोप भी उसने लगाए थे। आपको बता दें, कल रेप पीड़िता समेत तीन लोगों को उसने गोली मारी थी और फायरिंग में एक की मौत भी हो गई थी जबकि दो घायल थे। डीआईजी ने आरोपी पर 20,000 का इनाम भी घोषित किया था। रेप केस में राजीनामा नहीं करने पर उसने फायरिंग की थी। छतरपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो आरोपी पर 20,000 का इनाम घोषित किया गया था। अब सवाल ये कि ये एनकाउंटर है या आत्महत्या, तीन लोगों को गोली मारने वाले ने सुसाइड क्यों किया? जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपसे साझा कर रहा है, जबकि इस आरोपी ने फेसबुक पोस्ट कर सरेंडर के लिए कहा था, लेकिन अब उसका शव बरामद हुआ है तो कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि इसने सुसाइड किया है या फिर एनकाउंटर किया गया है इसका, और अगर सुसाइड किया है तो उसने क्यों सुसाइड किया है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपसे इस वक्त साझा कर रहा है। पीड़िता और उसके परिवार पर राजीनामा के लिए ये आरोपी दबाव बना रहा था और जब परिवार नहीं माना तो इसने गोली मार दी। तीन लोगों को गोली मारी थी जिनमें से एक की मौत हो गई है जबकि दो घायल, और ये आरोपी अब इसका शव मिला है। तो फिलहाल पुलिस ने अपनी ओर से जांच शुरू कर दी है। तो ये अपडेट्स हम आपसे साझा कर देते हैं, ये पूरा मामला बता देते हैं कि ये मामला क्या था। छतरपुर से ये खबर है और ऐसे में ये जानकारी जो सामने आ रही है, फिलहाल तो आरोपी का शव मिला है, लेकिन ये भी बता दें कि तीन लोगों को गोली मारी थी परिवार में जिसमें पीड़िता भी शामिल थी और जिसमें दादा की मौत हो गई थी और लड़की गंभीर रूप से घायल, उसको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। तो दादा की मौत हो गई थी, तीन लोगों को गोली मारी थी जिसमें दादा भी शामिल था और दादा की तुरंत ही मौत हो गई थी, लेकिन दो घायल जिसमें पीड़िता भी शामिल थी, और अब आरोपी का शव बरामद हुआ है। तो पीड़िता और उसके चाचा घायल हो गए थे जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया है। हरीश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के लिए। हरीश, अपडेट दीजिएगा, अभी क्या अपडेट मिल पाएगी? आरोपी का शव मिला है, क्या कारण सामने आ रहे हैं? पहले 9:30 के लगभग इसने एक फेसबुक पे एक पोस्ट डाली थी, इसने कुछ अपनी जगह जो फरारी का जब कल फरार हुआ था उसके अपनी मौजूदगी बताई थी कि मैं यहाँ पे सिलेंडर कर ली, तो पुलिस यहाँ पे आके मुझे मार गई। और इस पे उसमें एक उसमें जो पुराना जो मामला था छेड़छाड़ और ये बीच मामला था उसमें कहता है आते हुए आरोप लगाए थे कि लेकर इसके ऊपर मामला दर्ज किया था और पुलिस के नाम भी लिख आई ऊपर सिविल लाइन थाने बता रहे कि क्षेत्र पे आती है पुलिस को एयरपोर्ट बोला है बात, लेकिन ना पुलिस पुष्टि कर रही है ना पता आए उसने आत्महत्या की है तो मार गिराया है, लेकिन फॉरेंसिक टीम और एसपी इस पहाड़ी पर मौजूद है और पहाड़ी दिख रही है, मतलब पुलिस का पूरा हमला यहाँ मौजूद है जानकारी। शुक्रिया ये तस्वीरें दिखाने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। सरेंडर करने से पहले आरोपी ने एक पोस्ट डाला था जिसमें उसने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए थे। एफबी पर यह पोस्ट डाला गया था।
चलिए आप बात कर लेते हैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावों को लेकर। विधानसभा चुनाव हुए और रुझान लगातार सामने आ ही रहे हैं। पहले हरियाणा में क्या रुझान है आपको बता दें, रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है। हरियाणा में बीजेपी 49 सीटों से आगे है, कांग्रेस 35 सीटों से आगे चल रही है और हरियाणा में यह आंकड़ा तेजी से बदल रहा है। तो सुबह कांग्रेस आगे चल रही थी लेकिन अभी जो बढ़त बनाए हुए है वो बीजेपी पार्टी है। लगातार कांग्रेस 35 सीटों पर आगे चल रही है और बीजेपी 49 सीटों पर। नब्बे सीटों पर वोटिंग हुई है और ये फिलहाल तो हम आपको भोपाल से तस्वीरें दिखा रहे हैं जलेबी तलने की। हरियाणा और जम्मू कश्मीर से ये तस्वीरें आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल हरियाणा में बीजेपी ने बढ़त बनाई है तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस गठबंधन ने बढ़त बनाई हुई है। तो हरियाणा के दंगल में किसका मंगल होने जा रहा है, रुझानों से कुछ कुछ साफ होता जरूर नजर आ रहा है लेकिन जम्मू कश्मीर में साफ तौर पर अभी ये दिख रहा है कि कांग्रेस गठबंधन आगे है। तो जम्मू कश्मीर में जहां कांग्रेस की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में एक राज्य का अस्तित्व खत्म किया गया है। अब फिलहाल तो काउंटिंग अभी भी जारी है लेकिन कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे चल रही है 53 सीटों पर और बीजेपी 26 पर है, पीडीपी 2 पर है और अन्य 9 पर है। वहीं हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में बीजेपी 49 पर है, कांग्रेस 35 पर है। दोनों ही जगहों पर रुझान आ रहे हैं, लगातार काउंटिंग चल रही है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों ही जगहों के रुझान आपसे साझा कर रहे हैं और चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल हैं, भाजपा से शिवम शुक्ला हैं और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र अगल हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल तो शैलेंद्र जी और शिवम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल पहले मैं शैलेंद्र जी आपसे लेना चाहूंगी। देखिए जम्मू कश्मीर में तो साफ नजर आ रहा है, रुझानों के अनुसार देखा जाए तो आप जीत रहे हैं लेकिन हरियाणा में क्या हो गया, लगातार आश्वस्त नजर आ रहे थे। देखिए अभी आधे से ज्यादा राउंड बाकी हैं और जब तक हम पूरे 60-70% राउंड कंप्लीट नहीं हो सकते किसी भी नतीजे पे पहुंचना बहुत जल्दबाजी होगी और हमें ये भी देखना होगा कि जो रिजल्ट्स आए हैं या जो रुझान चल रहे हैं वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट्स आ गए हैं वो कितने वोटों से आ गए। जहाँ तक मेरी जानकारी है, अभी मैं टैली कर रहा था कि लगभग 15-20 जगह से 1,000-500 वोटों का उसमें डिफरेंस है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं। वो कई जगह जो ये आप देख रहे हैं कि लगातार होल्ड अप है और उसमें राउंड्स आगे बढ़ नहीं रहे हैं, क्या कारण है? अभी थोड़ी देर पहले जयराम रमेश जी ने इसको लेकर भी ट्वीट किया है, वहाँ पे जो स्थिति है बराबर नज़र में, क्या अधिकारियों की क्या साठगांठ चल रही है उस पर भी पूरा का पूरा फोकस और नज़र बनी हुई है। और निश्चित रूप से जिस तरीके से आगाज हुआ है हरियाणा का चुनाव हम जीतेंगे और जिस तरह का पूरे चुनाव के दौरान आपका हमारा सारा जो एग्जिट पोल भी आया था और तमाम बातें जो थी वो कांग्रेस के फेवर में, और हम निश्चित रूप से भी जीतेंगे। लगभग 2 बजे के आसपास हम मान के चलेंगे कि जब हर विधानसभा में 10-12 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे, जब कुछ कहने स्थिति उस तरीके से स्पष्ट होगी। और अभी भी जो है बहुत ज्यादा फर्क नहीं है लेकिन कुछ देर में जब हमको रिजल्ट्स आएंगे और जो राउंड जहां पे रुके हैं हेल्ड अप हैं वो आएंगे तो निश्चित रूप से आपके स्क्रीन पे जो अभी आप बता रहे हैं इससे थोड़ा अंतर आपको दिखेगा। चलिए मैं लौटती हूँ शिवम। शिवम जी आप बताइएगा जरा, क्योंकि हम हरियाणा में अगर बात करें तो बीजेपी बढ़त बनाए हो लेकिन जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा
मार्जिन है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कांग्रेस की ओर से कि एक राज्य का अस्तित्व खत्म किया बीजेपी ने और उसी की सजा मिल रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय संप्रभुता से जुड़े हुए विषयों पर चुनावी नफे नुकसान के आधार पर निर्णय नहीं लेती है। सबसे प्राथमिक चीज तो यह है, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के पश्चात वहां पर जो भौगोलिक परिस्थितियां थी, राजनीतिक परिस्थितियां थी, तमाम चीजों को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राज्य को डिसमेंटल किया और यूटी के तहत उस पूरे क्षेत्र को लेकर के आए। और वहां पर हमने देखा कि चाहे स्टोन पेल्टिंग की घटनाएं हो, आतंकवाद की घटनाएं हो, टूरिज्म की संभावनाएं हो, इन तमाम चीजों में एक परिवर्तन जो सकारात्मक है वह उस क्षेत्र की जनता ने महसूस किया। जो कश्मीर घाटी का क्षेत्र है वह भारतीय जनता पार्टी के लिए कभी भी उतना सुलभ नहीं रहा है। वहां पर अधिकतर आबादी कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समुदाय के इससे जुड़ी हुई है और उनका विश्वास जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी को अभी आने वाले वक्त में बहुत सारे प्रयत्न करते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और जो विपक्षी संगठन है वो लगातार एक नैरेटिव बनाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के आने से अल्पसंख्यकों के अधिकारों का कहीं ना कहीं हनन होगा। जो जम्मू का इलाका है, परंपरागत रूप से हम लगातार वहां मजबूत रहे और वहां पर हम देख रहे हैं किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपना ऑल टाइम हाई प्रदर्शन करने की ओर अग्रसर हो रही है। कश्मीर घाटी में भी हमें सीटें आ रही हैं और यह कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए सुखद है कि वहां पर सिंगल लार्जेस्ट पॉलिटिकल प्लेयर बनकर के भारतीय जनता पार्टी उभर रही है और जो आने वाले वक्तों में उस राज्य में जो हमारा एक मजबूत फुटप्रिंट है उसकी ओर इशारा कर रहा है। दूसरा, हरियाणा के नतीजे आप देखिए, कांग्रेस पार्टी का आत्मविश्वास जो था वह दंभ में परिवर्तित हो गया, अहंकार में परिवर्तित हो गया और जनता ने एक बार फिर से स्पष्ट कर दिया कि लोकतंत्र में अंतोगत्वा जो निर्णय है वह जनता के हाथ पर लगी हुई स्याही के माध्यम से ही बाहर आता है। तो स्वाभाविक तौर वहां पर आप देखिए किस प्रकार से कांग्रेस के तमाम दावे धराशायी हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इतिहास और रिवाज दोनों बदलते हुए लगातार वहां तीसरी बार सरकार बनाने वाला एक दल बनने जा रही है। तो यह अपने आप में दिखाता है कि प्रधानमंत्री जी की नीतियों के लिए, उनके विजन के लिए, उनके निर्णयों के लिए अभी भी देश के आम जनमानस में एक उत्साह का वातावरण है। हरियाणा के पूरे चुनाव को जाति के आधार पर जाट वर्सेस गैर जाट का करने का कांग्रेस का प्रयास रहा तो वहां के जाट बिरादरी ने भी दिखा दिया है कि राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत वह पूरी एक जो कम्युनिटी है वो है और किसी भी खास नजर नहीं आ रहा है। शिवम जी, मैं लौटती हूँ आपके पास। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र अगल जी जुड़ गए। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका। और देखिए, कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि शुरू से ही बीजेपी ने कहा था कि हम दोनों ही जगहों पर सरकार बनाएंगे, लेकिन एक एक जगह अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। हरियाणा में जो तस्वीरें हैं उसके उलट जम्मू कश्मीर में नजर आ रही है। मैं आपसे जवाब लूंगी, लेकिन इस बीच अनिल विज क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनवा देते हैं दर्शकों को। पोल आए तब भी मेरा यही बयान था और आज जब सवेरे रुझान दिखाए गए और कांग्रेस के दफ्तर में लड्डू बांटे गए और ढोल बजाए गए, नगाड़े बजाए गए, तब भी मेरा यही बयान था। इंस्टेंट उसी वक्त मेरा यही बयान था, अब भी मेरा यही बयान है कि हरियाणा में भाजपा तीसरी बार अपने दम पर, मेरे बयान निकाल लो, सारे लैंग्वेज निकाल लो कि तीसरी बार हरियाणा में भाजपा अपने दम पर सरकार बनाई। देखिए, ये कांग्रेस के तरह तरह के रोने के तरीके हैं, ये कई फ्रीक्वेंसी में रोते हैं, ये फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। ठीक है जी, तो भाई सुबह तो तुम नाच रहे थे, सुबह जो तुम कह रहे थे राहुल गांधी ने कमाल कर दिया, सुबह हुड्डा साहब कह रहे थे मैंने कमाल कर दिया, तो इलेक्शन कमीशन बदल गया। अब जो सवेरे था इलेक्शन कमीशन वही अब है इलेक्शन कमीशन, पर रोने के तरीके हैं इनके। तो आप अभी भी पूरे कॉन्फिडेंट हैं कि आएगी तो बीजेपी की सरकार? अरे अब भी कोई बताने वाली बात रह गई? अब तो सारा हरियाणा नाच रहा है, झूम रहा है, गा रहा है, आप देख लो हर जगह पर। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी कमेंट आया है कि कांग्रेस आ रही है और बीजेपी जा रही है, उस पे क्या जवाब देंगे? अब ये तो जो अहंकारी आदमी होते हैं ना, वो नीचे मार खा रहा होता है तो भी कहता मैं तेरे को कल देखूंगा, तेरे को कल देखूंगा, मार खाता रहता है, मार खाता रहता है, ये तो ऐसे ही। राजेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगी। दोनों ही जगहों के रुझान आप भी देख रहे होंगे और दोनों जगह बिल्कुल अपोजिट रुझान आ रहे हैं। एक जगह बीजेपी आगे चल रही है तो एक जगह कांग्रेस गठबंधन आगे चल रहा है। पहले तो ये बताएगा कि आंकड़ों को देखकर क्या लग रहा है। कांग्रेस कह रही है जम्मू कश्मीर में एक राज्य का अस्तित्व खत्म करने की यह सजा है।
बात ठीक है, जम्मू कश्मीर में तो परिणाम जो है वो इसी तरीके के आने थे। हरियाणा में जहाँ की स्थिति है, जिस स्थिति को अभी बताया जा रहा है, जो एग्जिट पोल और सारी चीजें बता रहे थे, अब एग्जिट पोल और इनका सबका कोई वजूद नहीं ले गया है, पहले तो मैं ये समझता हूँ। परंतु ये हमें इस बात को बहुत गहराई से समझना चाहिए, राजनीति हमें करने के लिए हम सामाजिक समरसता भूल गए सारा की सारा। समाज क्या होता है, मतलब हमने समाज को बांटने की कोशिश की गई है। अभी मेरे विद्वान साथी प्रवक्ता महोदय ने कहा है कि जाटों को और SC ST को वहां पर बांटने की और पाटने की कोशिश जो की गई है, उससे ऐसा लगता है कि इन सब चीजों से राजनीति बहुत ऊपर आ गई है। तो राजनीति में ये सब चीजें कोई मायना नहीं रखती है कि साहब कौन कहां जा रहा है, देश किधर जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्या बात है आखिर करके हम ये देखते हैं। जबकि जाट की एक संख्या जो है बहुत तो नहीं है, परंतु 18-19% वहां पर जाट लोग रहते हैं, परंतु सबसे ज्यादा जो संख्या है वो SC और ST वाली है। अब SC और ST वालों को डर किस बात का है कि क्या उनके गांव में पिटाई होती है, क्या कारण होता है, क्या चीजें होती है, क्या किस तरीके से ये तख्ता पलट होता है, ये सिर्फ राजनीति का एक आंकड़ा है। मैं जो समझता हूँ आरक्षण जो है वो आरक्षण इतना बड़ा विषय हो गया है आज की तारीख में कि इस पर डिबेट करना बहुत आवश्यक हो गया है। क्यों? क्योंकि इन सब आरक्षण के कारण से नतीजे जो होते हैं वो इधर के इधर और इधर के इधर हो जाते हैं। क्यों होते हैं ये तो आप भी देख रहे हैं, आज हरियाणा में जो कुछ भी हो रहा है, भाजपा आगे हो गई है, कब तक कांग्रेस आगे थी, आज सुबह तक कांग्रेस आगे थी, भाजपा पीछे हो गई, वो तो अच्छा हो कि कम से कम इलेक्शन कमीशन को दोष नहीं दे रहे हैं कि साहब वो EVM मशीन में प्रॉब्लम थी या परेशानी थी। परेशानी जो है वो पार्टियों के अंदर है, उस पार्टियों को जो अपनी जातियों को साथ में बांध कर रखना चाहते हैं और उसको राजनीति के ऊपर रखना चाहते हैं, उस कारण से इस तरीके के नतीजे आ रहे हैं। और नतीजा तो अभी आएगा तो वो तो अब सामने दिख ही रहा है कि किस तरीके का नतीजा है, उसको स्वीकार करना चाहिए जो बात है। अब कांग्रेस किसी भी तरीके से अपनी बात को कच्चा पक्का कहे उससे मतलब नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने भी चुनाव में जितने हथकंडे थे वो सारे हथकंडे उन्होंने अपने। निश्चित तौर पर मैं लौटती हूँ आपके पास शैलेंद्र जी। हरियाणा में जिस तरह से अगर हम बात कर रहे हैं तो एक उम्मीद थी कांग्रेस को 10 सालों बाद सरकार बनाने जा रही है, कांग्रेस बड़ी आश्वस्त नजर आ रही थी, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। शाम होते होते कांग्रेस कह रही कि यह आंकड़ा बदल जाएगा, एकदम से कैसे बदलेगा? देखिए मैंने अभी पूर्व में भी एक बात कही है कि हम आप भी बहुत अच्छे समझते हैं कि जब काउंटिंग जो होती है उसमें हर असेंबली में 20 के तकरीबन ऑन एन एवरेज 20 के करीब राउंड होते हैं, और जब तक हम 60-70% राउंड कंप्लीट नहीं हो सकते उन रुझानों को रिजल्ट की तरफ नहीं कह सकते कि ऐसा ही रिजल्ट आएगा। और जो जीत और हार का अंतर है वो भी बहुत मायने रखता है कि जो दो कैंडिडेट्स आगे और पीछे उनमें दोनों में डिफरेंस कितना है, क्योंकि 1,000-2,500 का डिफरेंस कभी भी इधर से उधर अलग अलग रीजन में अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जब आता है तो बदलने की संभावनाएं रहती हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का जो हरियाणा का कामकाज था वो हमारे सामने है, क्यों एंड टाइम पे मुख्यमंत्री बदलना पड़ा, अभी लोकसभा चुनाव में भी जो रिजल्ट्स आए वो भी हमारे सामने हैं, किस तरीके से वहां के लोग भारतीय जनता पार्टी के शासन से खुश नहीं है, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को वापस उस सत्ता में लाना चाहते थे, कांग्रेस पार्टी को लगातार उन्होंने वोट दिया है, और उस आधार पर जो जमीनी वहां पर हकीकत है, जो चुनाव के दौरान लोगों से जो बातचीत हुई है और जो अभी तक हमारे सामने बात आई है, उसके अनुसार हम वहां पर निश्चित रूप से जो अभी हमारा जो ट्रेंड है वो ट्रेंड बदलने का पूरा पूरा चांसेस है। कहीं पे 6 राउंड की हमारे पास अपडेट आया, कहीं 7 राउंड का अपडेट आया, जब तक 12 राउंड का अपडेट नहीं आएगा हम ये नहीं कह सकते कि ये ट्रेंड उस तरफ जा रहे हैं। निश्चित रूप से ट्रेंड से हमें कुछ मोटा मोटा अंदाजा लग सकता है, लेकिन हम देखेंगे कि बीजेपी 49 है तो 3 सीटें ही, अब जो एक मैजिक फिगर है उससे 3 सीटें ही ऊपर है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है मैजिक फिगर में। कांग्रेस 35 पे है तो वो भी बहुत लंबा 8-10 सीटों का जो अंतर है, ये कहीं ना कहीं बहुत फंसा हुआ चुनाव है, बहुत नजदीकी चुनाव है, और हमें इस बात की थोड़ी हैरत है कि जो हम उम्मीद कर रहे थे कि यहां पर वन साइडेड इलेक्शन हो रहा है, लगभग 50-60 सीटें जीतने का हमारा अनुमान था, वो आज कहीं ना कहीं क्लोज फाइट में कन्वर्ट हो रहा है, वो जरूर एक समझने की बात है, एनालिसिस की बात है। और जम्मू कश्मीर तो हाथ से गया,
देखिए, जम्मू कश्मीर देश के हाथ में रहना चाहिए, देश का संप्रभु हिस्सा है। राजनीतिक पार्टियों के लिए हमें फिर से संभावना मिलेगी, 5 वर्ष बाद फिर से और ज्यादा प्रयास करेंगे, वहां के लोगों को विश्वास में लेने का प्रयास करेंगे। जम्मू कश्मीर का महत्व इस देश में चुनावी राजनीति से ऊपर उठ करके है। जिस प्रकार से वह देश लगातार एक हिंसाग्रस्त रहा, वहां पर अस्थिरता रही, वहां पर लगातार विदेशी शक्तियों का प्रभाव रहा, आतंकवाद का वहां पर कितना जोर रहा, इन तमाम चीजों को ध्वस्त करने में हमारी केंद्रीय सरकार के प्रयासों के परिणाम स्वरूप सफलता हमने अर्जित की है। तो हमारे लिए तो जम्मू कश्मीर में सबसे सुखद यह है कि आज इतने वर्षों बाद वहां पुनः हम लोकतंत्र की बहाली कर पाए, इतना शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुआ। आज जो अलगाववादी शक्तियां थी उनको भी लोकतांत्रिक तरीकों पर अपना समर्थन प्रदर्शित करना पड़ा। यह एक बहुत ही कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए सुखद चीज है। हरियाणा की हम बात करें तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से दिखाया है कि संगठनात्मक कौशल, जनता के साथ जुड़े रहने की एक जो पूरी रस्म है, और उसके साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जनता को किसी भी राजनीतिक संगठन का जो अति आत्मविश्वास और अहंकार है वो पसंद नहीं आता है। कांग्रेस पार्टी का हरियाणा में न विगत 10 वर्षों से जिला अध्यक्ष है, न कि प्रदेश कांग्रेस की कमेटी बनी हुई, ताकि किस आधार पर कांग्रेस इतने बड़े बड़े दावे कर रही थी। जिस पार्टी का संगठनात्मक रूप से वहां पर कोई आधार नहीं है, जमीन नहीं है, वह पार्टी अगर लोग विधानसभा के चुनावों में 50 सीटें सरकार बनाने की बात करें तो यह अपने आप में अचंभित करने वाला तथ्य है। और कांग्रेस पार्टी शिवम जी, शैलेंद्र जी और राजेंद्र जी आप बने रहिए।